नमस्ते दोस्तों, आज मैं तेरी आंखों की सिवा का अंतरा कोशिश करूंगा आपको बताने की। और आई होप आपने जो मेरा प्रीवियस वीडियो था इसका साइन लाइन मैंने आपको बताया था, आपने किया होगा, आपको समझ में आया होगा। मुझे बहुत सारे ईमेल्स भी आए हैं और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और बहुत दिक्कत गाने में आती, तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपना फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, आप एटलीस्ट आधा घंटा एक घंटा आप फिज़िकल फिटनेस ज़रूर, कहीं भी आप वॉक करें, आपका जो ये नेक जो मसल्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पीछे से शोल्डर, ये नेक, ये पूरा हिस्सा आपका गाने में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लंग्स तो हैं लेकिन जब गाते हैं हम कई बार ऊपर सुर लगाने में परेशानी होती है, कई बार हम जो है मसल्स हमारी जो स्टिफ हो जाती हैं, तो ये एक्सरसाइज नेक का जो एक्सरसाइज होता है, गर्दन का जो एक्सरसाइज होता है, योगा में भी कई तरह से गर्दन की एक्सरसाइज है, आप वो करिए, एवरीडे आप करिए, क्योंकि आपका फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आपको गाने में फ्लेक्सिबिलिटी उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये चीज़ मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जिनको भी प्रॉब्लम है पिच में, गाने में, पिचिंग में, तो आप प्लीज़ अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करें, या नहीं करते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट करिए, अपने आप को फिट रखिए। और जो भी एक्सरसाइज है लाइट, जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं वॉक कर सकते हैं, उसके बाद में अपने आप को वार्म अप करिए, गर्दन का एक्सरसाइज, नेक का एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो अपने आप आपको बहुत इजी और फ्लेक्सिबल गाना आपको खुद अच्छा लगेगा और फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको अंतरा आज बताऊँगा, चूँकि ये गाना रफ़ी साहब ने और लता जी ने दोनों ने गाया, आपको सभी को पता है दोनों के एक्सप्रेशन लगभग वही एक्सप्रेशन है, लेकिन कुछ कुछ जगह लता जी के एक्सप्रेशन, रफ़ी साहब के एक्सप्रेशन, कुछ कुछ किसी किसी वर्ड्स पर अलग अलग जो है वो एक्सप्रेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आज की इस, में मैंने लास्ट टाइम प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंपोजिशन राग झिंझोटी में कंपोज़ किया हुआ, जिसमें आरोह में निषाद वर्जित है, नी नहीं लगता है, और आते वक्त जो है निषाद कोमल लगता है इसमें। और वैसे देखा जाए तो दोस्तों इसमें निषाद जो है शुद्ध मदन मोहन साहब ने कंपोज़ किया है, बड़ा खूबसूरती से उस निषाद शुद्ध को लगाया है, मैं आपको उसका भी परिचय आपको कराऊंगा कहां पर उन्होंने उस निषाद शुद्ध को यूज़ किया है। सो रफ़ी साहब का जो है पहले लाइन गा देता हूँ, फिर उसके बाद मेरा साथ में लता जी का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, जो वेरिएशंस जो चेंजेस हैं वो भी बता दूंगा, और जो वर्ड्स पे जहाँ एक्सप्रेशन जो है वो भी दोनों के अलग अलग हैं, तो मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगा। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, अब हुए पर आकर मैं रुकवाऊँ, धेवत ध, ये लैंडिंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हम यहाँ तक आ नहीं पाते, छोड़ देते हैं, तो जो लोग बोलते हैं यार हमारे गानों में वो फ्लो नहीं आता, वो मिठास नहीं आती, मतलब तो ये छोटे छोटे जो सुर हैं ये जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं गाने में, ये ज़रा समझदारी के साथ होल्ड करिए और फिर आगे बढ़िए। सा 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 मा मा गर सा सा, ये सुर सा 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 मा मा गर सा सा, पलकों की गलियों में चेहरे, ये ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से प्रैक्टिस करेगा तो आपको समझ, एक्सप्रेशन भी आपको समझ में आएंगे गाने के। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, सा 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 मा मा गरे सा सा, रे प मा मा गरे सा सा, नी रे सा नी धा। अब दोस्तों मैंने ऋषभ शुद्ध की बात की थी, सॉरी निषाद शुद्ध जो मैंने कहा था, इस कंपोजिशन में राग झिंझोटी है आपको पता है, मैंने बताया, लेकिन इसमें निषाद कोमल लगता है, शुद्ध नहीं लगता, लेकिन मदन साहब ने इसमें निषाद जो है शुद्ध भी यहाँ पर लगाया, आगे
जो एंड हो रहा लाइन का मैं आपको बताता हूँ, वहाँ रुक कर मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा कैसा। सा 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 मा मा गरे सा सा रे पा मा मा गरे सा सा नी, ये जो है शुद्ध निषाद है। रे पा मा मा गरे सा सा नी रे सा नी, ये कोमल हो गया। नी रे सा नी धा, पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते नी, यहाँ पर है हंसते, ये सुर यहाँ पर लगा है, स्लाइडिंग नोट है लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हंसते नी, इसका ध्यान जरूर रखिएगा, इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि यही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ जो होती हैं वो। हंसते हुए सानी रे सानी धा, सॉरी सानी रे सानी धा, हंसते हुए सानी रे सानी धा, ये सुर आप प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं। है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इन में बसते हुए गमगरे हो, रफी साहब का है। मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इन में बसते हुए हो गमगरे, ये ध्यान रखिएगा। सा 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 मा 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 ग मा धा धा, है मेरे ख्वाबों के क्या क्या सा 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 मा 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 ग मा धा धा, नगर इन में बसते हुए धधनी सा दसनी धा पा हो गम गरे, ध्यान रखिएगा। सब मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत इजी होगा समझने में गाने में, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। एक बार फिर से मैं सुर गा देता हूँ सारे उसका। सा 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 मा 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 ग मा धा धा, धधनी सा दसनी धा पा गम गरे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको मेरा तरीका ज़रूर समझ में आता होगा या आ रहा होगा। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी आपको कुछ ऐसा लगे कि नहीं, तो आप ब्लंटली आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। मैं अपने आप में कितना सुधार कर सकता हूँ कोशिश करूँगा, और आप मुझे अगर कुछ लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा करने का और हौसला मेरा बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप किसी भी तरह से जो है कॉन्शियस मत रहिएगा, हेजिटेंट मत रहिएगा, बिल्कुल आप लिखिएगा मुझे जो भी लिखना चाहते हैं, जिस तरह से भी। नेगेटिविटी आप पहले मेरी बताइए, पॉजिटिविटी तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव अगर कुछ भी चीज़ होती है तो आप मुझे बताएंगे तो मुझे इम्प्रूवमेंट करने में बहुत थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और हौसला भी मिलेगा मुझे। आगे की लाइन में गाता हूँ इसका। एक काम करता हूँ, जितना अभी गाया उतना मैं लता जी का भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अंदाज कोशिश कर रहा हूँ। ये हो कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं, ये लता जी जाता नहीं, ये एक्सप्रेशन देखिए, अपना अपना एक क्वालिटी होती है, कहाँ कैसे, फिर डिपेंड करता है म्यूजिक डायरेक्टर पर भी, कहाँ कौन सी चीज़ कल्पना उसकी कहाँ पर है। तो ये लता जी का था, सुर वही लगे हैं, थोड़ा सा चेंजेस यही है कि एक्सप्रेशन वर्ड्स के जैसे जाता नहीं, तो इसको आप कर सकते हैं, इतना सुर की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। ये हो कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं, इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं, यहाँ पर जो है
पूरा अवरोह लता जी ने लिया है और रफ़ी साहब ने जो लिया था मैंने आपको बताया, और इस लाइन में लता जी ने पूरा वर्ड के साथ में लेकर वो नीचे अवरोह तक आई हैं। तो इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं, पा पद पनी द पा मगर गरे सा। ये इसका चलन है। इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे ऊपर जाता है वो भी लता जी का भी वैसे ही सेम अंदाज है जो रफ़ी साहब का था ऊपर, लेकिन वहाँ पर भी एक्सप्रेशन कुछ कुछ चेंजेस है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं लता जी का ही गा के बता देता हूँ, फिर मैं ऊपर वाला भी आपको बता दूँ। पहले रफ़ी साहब वाला बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा जहाँ पर हाई नोट पर जाना है। है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए, पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले ये झोंके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। ये रफ़ी साहब का अंदाज था। अब जैसे सासानीदा ये उठे सासानीदा, नी के साथ में सा का अंश लिया, सासानी नीदा ये उठे, ये ध्यान रखिएगा, सासानीदा सा 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 सानी रे सानी धा पदानी नी धा पा, ये झोंके शाम ढले, सानी रे सानी धा पदानी नी धा पा, ये ध्यान रखिएगा। मेरा जीना ये एक्सप्रेशन है इसके अलग अलग, मेरा जीना गपद सानी सादा, ये भी कर सकते हैं, गपद सानी सादा, ये भी आप कर सकते हैं। सुरों की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, कैसे भी आप उसको ढूंढ सकते हैं आपके पास हारमोनियम होगा तो, ये आपको समझ में आएगा। मेरा जीना मेरा मर, अब यहाँ पर लता जी ने, लता जी का पाठ सुनेंगे तो मरना को कैसे लता जी ने गाया। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, पलकों के तले, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन इतना नहीं, ये एक्सप्रेशन बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जो अंदाज़ होता है गाने का वो हर किसी का अलग अलग होता है, तो ये एक्सप्रेशन इसमें अलग है। चूँकि दोनों में एक्सप्रेशन अलग है तभी दोनों कंपोजिशन बहुत ब्यूटीफुल लगती है सुनने में, दोनों कंपोजिशन, ये ध्यान रखिएगा आप इसमें। और उसी तरह से मैं एक अंतरा पूरा गा देता हूँ और आई होप आप सबको ये चीज़ पसंद आएगी इस तरह से मेरा समझाना, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको बताऊँ, जितना ईजी वे में आप समझ पाएँ उतना आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं इसका अंतरा एक बार गा के इसको फिर मैं ख़त्म करूँगा, एक बार पूरा अंतरा गा रहा हूँ आप सुन लीजिए, फिर आप उसको अंतरे को वैसा कोशिश करिएगा गाने की। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए,
पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झोंके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। लता जी वाला भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा गाने की, उसमें ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर वेरिएशन है। ये हो कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं, इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं, ये हो कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं, ये उठे सुबह चले, ये उठे सुबह चले, ये झोंके शाम ढले, ये झोंके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है, आप इन सब को फॉलो करेंगे तो कुछ तो आप गा ही पाएंगे, इतना मेरा सोचना है। जिस तरह से मैं भी कुछ तो गा ही सकता हूँ, कुछ तो गा ही पाता हूँ, ये सब चीज़ें करता रहता हूँ, इसलिए कुछ भी करने से कुछ तो आता ही है, ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। सो क्रॉस आपको समझ में आ गया था। इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं, ये हो कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं, ये उठे सुबह चले, ये झोंके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इत्मीनान से आराम से सुन के आप कोशिश करिए। आई होप जिस तरह से मैं कोशिश करके इधर उधर से सीखता हूँ तो कुछ तो गा ही पाता हूँ मैं भी वही चाहता हूँ कि आप भी कुछ तो कर ही पाएंगे, और पूरी उम्मीद है मुझे आपको ये सब चीज़ें पसंद आएगी, और कुछ गलतियाँ मुझसे हुई होंगी, होती है, इंसान हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करिएगा मुझे, जो कमेंट्स करेंगे आप मुझे उससे हौसला भी मिलता, जहाँ नेगेटिविटी है वो भी आप शेयर करिएगा मेरी, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।